सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए, 15 साल की जो आपकी जर्नी है, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं सर आप। 15 साल पहले मैं बॉम्बे आया था, तो कुछ चीज़ों को हम देख रहे थे कि कास्टिंग कैसी होती है। हमें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों से, मतलब पहले से भी इंटरेस्ट रहा है, और जब मैंने देखा कि कास्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन, आज मेरा जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के दिन मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड किया था फलक्रम फिल्म के नाम से, जो पिछले 15 साल से एक अच्छे मुकाम से अच्छे लोगों के साथ काम कर रही है। पिछले 15 सालों में करीबन हजारों लोगों ने मेरे साथ काम किया है। गिनती तो बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा 15 साल का सफ़र है, ये काफ़ी अहम है क्योंकि मैं नहीं देखता कि कौन अनुभवी है, कौन नया है, कौन अभी आया है। अगर वो मेरे कैरेक्टर को फिट हो रहा है तो मैं उन्हें मौका दे देता हूँ, और वो ही हमारे लिए भगवान साबित होते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन कहाँ से आया है, किस रूप में आया है, कैसे आया है। तो हमारी यही खामी है, मतलब एक खूबी है कि मैं किसी के चेहरे पे या किसी कैरेक्टर पे डिपेंड करता हूँ, ना कि उनके अनुभव पे या उनके पारिवारिक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका बैकग्राउंड देखना मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर वो मेरे कलाकार मेरे कैरेक्टर को सूट करता है, और वो चाहे वो नया है या पुराना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बखूबी हमारे काम को करता है, मैं उसमें खुश हूँ और इसीलिए हमारा काम चल रहा है। कुछ फेस ऐसे हैं जिनके साथ में आपने काम किया और आज बिग फेस बन गए हैं? एक बार फिर पूछिए। कितने फेसेस हैं मतलब जिनके साथ आपने काम किया और आज आप बॉलीवुड में या कहीं भी बहुत बड़े मुकाम पर हैं? मुकाम पे हैं तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? फेसेस बहुत सारे आए हैं, नए फेसेस आज बहुत बड़े बड़े कलाकार बन गए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको गिरीश थापर जी की बात बताऊं, जब ये शुरू में आए थे, एक मेरठ के छोटे से गांव से आए थे, आज इनकी फिल्में आप जाके देखेंगे, इनकी विकिपीडिया देखेंगे, इन्होंने मेरे साथ में एक छोटा सा काम किया था। मेरा काम है ब्रेक देना, मेरा काम है शुरुआत कराना, मेरा काम है इंडस्ट्री में आपको एंट्री देना, और देना मतलब कि ऐसे छोटे मोटे नहीं, एक अच्छे जगह, एक प्लेटफॉर्म अच्छी हो, एक अच्छे लोगों के साथ काम करना, प्रोफेशनल तरीके से काम करना, मैंने इन्हें ब्रेक दिया। बाकी इनका मुकद्दर है, इनका तकदीर है, इनकी टैलेंट है, इनका सब कुछ है, कलाकार आगे बढ़ गए। अब बहुत सारे कलाकार हैं, अभी सब की लिस्ट बनाना जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा अग्रवाल जी, जब भी कास्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक रिटर्न लगता है कास्टिंग काउच का, आपसे कभी कास्टिंग काउच का दाग नहीं लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कास्टिंग काउच कास्टिंग का पार्ट नहीं है। लोग कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, ये मुझे पता नहीं है। वो एक अलग जोन है, वो एक अलग दुनिया है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो सब कास्टिंग काउच वाले नहीं है, हैं, जिसको जिसकी मर्जी है, जैसे मर्जी है करता है, लेकिन कास्टिंग काउच बोल के कोई प्रेशर नहीं है। आज बहुत सारी लड़कियाँ हमारे साथ काम कर चुकी हैं, बहुत सारे लड़के हमारे साथ काम कर चुके हैं, तो क्या हमने उन सबके साथ में कास्टिंग काउच थोड़ी किया? सर इनके बारे में बोलूँगा, ये इनका वैसा व्यक्तित्व है कि चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी। कर लिपटे रहे तो लिपटे रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है, फील्ड है। शुक्र की दशा से हम लोग मुंबई आए हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, पर पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। तो यही है कि हम तो इन्हें चंदन बोलते हैं, चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहे हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। सर यहाँ अच्छा काम भी है, क्लीन काम भी है, सही ढंग से भी काम मिलता है, ऐसा नहीं कि सब उल्टे सीधे चक्रों से। अगर ऐसा होता तो सर फिर सभी लोग आप बोलते हैं कास्टिंग काउच वाली बात। फिल्म इंडस्ट्री चलती है, कई हजार करोड़ों का यहाँ टर्नओवर है, हैं, कोई एक इंडस्ट्री एक फिल्म से तो ख़त्म नहीं होती, या एक फिल्म इससे बनने से शुरू होती है, ऐसा तो नहीं है। पिछले 75 साल से इंडस्ट्री चल रही है, हैं, पृथ्वीराज कपूर के ज़माने से फिल्में बन रही हैं, ब्लैक एंड वाइट से अब कलर पे आ गए, डिजिटल पे आ गए, डिजिटल से बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे आ गए। तो हर जगह अगर यदि आप कास्टिंग काउच अगर मीडिया वाले पूछेंगे, हैं, तो कास्टिंग काउच है नहीं कुछ, तो इंडस्ट्री कैसे चलती है अगर सब कास्टिंग काउच ही कर रहे होते तो? और गंदगी कहाँ नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है भैया? गंदगी है ही नहीं, लेकिन यहाँ साफ सुथरा है सर, यहाँ है ही नहीं गंदगी, बहुत साफ सुथरा क्लीन काम होता है। मैं ये बात कह सकता हूँ, मेरे पास तो कोई गंदगी है सर, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है सर।
इतनी साफ सुथरी इंडस्ट्री, इतनी अच्छी इंडस्ट्री, शायद कोई भी इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी नहीं है सर। हम लोग ये सब एक बाहर दिखा, क्योंकि हो जाता है जैसे क्या है ना, हम लोगों को आज इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, ये अग्रवाल जी हैं, कोई पूरे इंडिया से क्या पूरी दुनिया से लोग मुंबई में काम करने आते हैं, बाकी जगह कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक फिल्म बनती है, पता नहीं चलता कौन किस धर्म का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। वो कहते हैं ना कि यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है, और हमारे शरीर की मिट्टी इसी ज़मीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। और मेरा ये कहना होता है ना सर कि कभी धर्म का, कभी हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मेरा कहना है ऐसा कि हिंदुओं को गर्व हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए, और सिख शिक्षा के गुरुओं से ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। नहीं मैं लेखक नहीं हूँ सर, मैं चोर आदमी हूँ, लोगों के दिल चुराता हूँ, लोगों की शायरियाँ चुराता हूँ सर। कोई कलाकार लोग हैं कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम सर, हुजूर मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम, खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम, क्योंकि हम तो ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर से एक ही बात कहते हैं कि अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, अगर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। हम तो गूंगे हैं, बोलना तूने सिखाया है, अब हम बोले तो हमारी बातों में असर भी तू ही देना। क्या बात है सर, धर्म की बात की, जात पात की बात की, इन दिनों बॉलीवुड में भी चल रहा है, उसी लिए मैंने बोला है सब चीज, जात पात और फिल्मों को ग्रैंड बॉलीवुड बाइकॉट की बात करने हो रही है, इसे बात हो रही है, इस क्या कहेंगे सर? इसे बहुत लंबा बोलने की वाली है, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। फिल्म इंडस्ट्री किसी जात पात या भेदभाव या ऊंच नीच से नहीं देखी जाती, सच बात। यहाँ पे आप जब आते हैं ना, तो आपसे कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं पूछता कि आपने टेंथ में क्या किया या ट्वेल्थ में क्या किया। आप यहाँ आते हैं तो आपसे कोई रिटायरमेंट की एज नहीं फिक्स की जाती। आप 70 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 60 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 25 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 35 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ रिटायरमेंट की कोई एज नहीं, यहाँ स्कूल का सर्टिफिकेट की कोई एज नहीं है, यहाँ एक इंसानियत होनी ज़रूरी है। और इंडस्ट्री अगर चल रही है तो आप सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अगर यदि हम फिल्में नहीं बनाएंगे तो एंटरटेनमेंट आप कहाँ से करोगे? तो फिल्म को धर्म और जात और पात के हिसाब से जोड़ना बेबुनियाद है, गलत है। जो बॉलीवुड बैकवर्ड की बात हो रही है, हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी कहता है कि मैं बीफ नहीं खा, बीफ मुझे पसंद है, तो बीफ खाना पसंद है तो खाओ, कोई मनाही थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मंदिर में जाना मना हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मस्जिद में जाना मना हो जाएगा। अरे आपको बीफ पसंद है, आप खाते हो, अगर इतनी ही बीफ से बुराई है और इतनी ही बीफ में बुराई है तो आप बैन कर दो ना। हर जगह हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से बीफ बिक रहा है, गोवा में बिक रहा है, कहीं बिक रहा है, कहीं बिक रहा है। तो बीफ खाने से अगर यदि एक्टर खराब होता है तो आप भी तो खराब हो, आपकी नीयत खराब है, आप किसी राजनीति के एक गैंग में फंसे पड़े हो और वो गैंग फिल्म को बॉयकॉट कर रहा है, वो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। इंडस्ट्री से कम हजारों परिवार चल रहे हैं, आज सरकार गुलामी कर रही है, आज सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। इंडस्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भी आज आए हो यहाँ पे, आपको भी मीडिया वालों ने को बुलाया गया है तो फिल्म के बारे में बताने के लिए बुलाया ना, आपको रोजगार मिला है ना? आज ये बंदा काम कर रहा है कास्टिंग का, तो उसको रोजगार मिला ना? कपड़े, लकड़ी, बत्ती, बिजली, पानी, पेंट, इंडस्ट्री में क्या नहीं चाहिए होता है? तो एक मजदूर भी काम करता है तो 1200 रुपये 1500 रुपये पर डे पे कमाता है। तो इंडस्ट्री कई हजार करोड़ रुपए से चल रही है, और करण जौहर जैसे लोग, यशराज जैसे लोग जो 300 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं और कितने लोगों को काम देते हैं इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो जिंदगी भर तलाशते हैं कि एक मजदूरी मिल जाए, वो उनको बुला के काम देते हैं।
उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जितने एक्टर काम कर रहे हैं, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको रोटी मिलती है, उनको खाना मिलता है। ये कौन सा गुनाह हो रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है? उनको एक एक कर पकड़ के, ये राजनीति जो गैंग है, और इस गैंग को एक एक को पकड़ के जेल में भर्ती कर देना चाहिए। फिल्म को सिर्फ फिल्म के हिसाब से देखो। अगर तुमने इसके साथ में बदतमीजी की तो तुम्हारे साथ वही हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकोगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से जो मैं देख रहा हूँ कि विवादित बयान देते हैं कुछ एक्टर या विवादित कुछ काम करते हैं और उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, जब उसका विरोध होता है तो फिर क्यों नाराजगी क्यों? एक बार फिर पूछिए। कुछ एक्टर विवादित बयान देते हैं, विवादित काम करते हैं, जब उसका विरोध होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हीं को लेते हैं, जब उसका विरोध होता है, बायकॉट होता है, तो नाराजगी क्यों? कितना सही है और कितना गलत भी है। देखिए, कोई भी एक्टर ऐसा बयान नहीं देता, हंसी मजाक या किसी जगह कोई ऐसा। अभी मैं आपको बताऊं कि एक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे? विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। वो 3 बार बोल चुके हैं मुझे बीफ खाना पसंद है, फिर भी उनकी फिल्में हिट कर रहे हैं लोग, उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे? एक बार रणबीर कपूर ने बोल दिया मुझे बीफ खाना पसंद है 10 साल पहले, तो उसको मंदिर में जाने से मना कर दिया जाए? जब तुमको भेदभाव ही करना है, तुमको बीफ से ही नाराजगी है, तो विवेक अग्निहोत्री को भी करो, रणबीर कपूर को क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बातें इंडस्ट्री में होती रहती हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार खराब है। पिछले 25 साल से आमिर खान की फिल्में हिट हो रही हैं, आज वो आमिर खान खराब हो गया? सलमान खान की फिल्में हिट हो रही हैं, सलमान खान खराब हो गया? अगर वो हिट फिल्म नहीं देगा तो कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, ये आपने कभी सोचा है? हॉल बंद हो जाएंगे, पीवीआर जो तुमने खोले रखे हैं, पीवीआर बंद हो जाएंगे। गरीब बच्चों, गरीब लोगों के, मजदूरों के भूखे बच्चे मर जाएंगे। सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही, गैंग फैला रही है, अलग धर्म फैला रही है, राजनीति कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री को खराब करने के इन लोगों ने ढोंग रच रखा है। तो आपको लगता है दोहरा चरित्र अपनाने जा रही है? इनको लगता है कि हमारे फेवर में फिल्म बने तो हिट होगी, हमारे फेवर में फिल्म नहीं बने, जो राजनीति के अगेंस्ट में बोलेगा उसकी फिल्में बॉयकॉट की जाएगी। और ये सब सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, एक गैंग कर रहा है, सब नहीं कर रहे, एक गैंग है जो इसको पैसे दे के लोगों को खरीद के किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो पेड़ है। मैं अपना सवाल वापस दोहराता हूँ, सब अलग करता हूँ, शायद जो मेरे शब्द थे आपने पहचाने नहीं। दूसरे शब्द से बताता हूँ, कुछ लोग विवादित बयान देते हैं, विवादित काम करते हैं, उनको काम मिलता है, और ऐसे ही शो भी चल रहे हैं, लॉकअप जैसे, बिग बॉस जैसे शो जो चलते हैं, वो कंट्रोवर्सी ही लोग को लेते हैं। तो ऐसे लोग का जब विरोध होता है तो नाराजगी क्यों? नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी वाले लोगों को लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को आप कंट्रोवर्सी या इससे मत जोड़िए, यही सवाल आपका गलत है, मैं आपके सवाल पर जवाब दे रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से बनती है। हम आपको फेवर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। जो एक्टर अच्छा है, जो बिकता है, मार्केट में बिकता है, उसको लिया जाता है। तो मार्केट में बिकने के लिए बयान गलत देना चाहिए? बयान गलत कौन देता है? कोई गलत नहीं देता। आप उसको गलत मोड़ के मीडिया वाले दिखाएंगे, हैं गलत लोग बोलेंगे, हैं एक के पक्ष में होगा वो फेवर करेगा, दूसरे के पक्ष में वो फेवर नहीं करेगा, उसको कंट्रोवर्सी बनाया जाएगा, उसको गलत तरीके से पेश किया जाएगा। लेकिन सर, जब एक हिंदू ये कहे कि मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ खाना पसंद है, मतलब उसको भी हिंदू आर्टिस्ट ये कहे हैं, हिंदू आर्टिस्ट ये कहता है कि मुझे बीफ खाना पसंद है, हाँ बीफ समझते हो आप, बीफ क्या कह रहा हूँ? तो विवेक अग्निहोत्री हिंदू नहीं है, वो क्या मुस्लिम है? आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों जा रहे हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आज बाजार में, भारत में हिंदू 50% ऐसे हिंदू हैं जो बीफ खाते हैं, छुप के खाते हैं, अलग से खाते हैं, होटल में जाके खाते हैं, घर में खाते हैं, खाते हैं, व्यापार वो कर रहे हैं। अगर यदि आपको बीफ से इतना मतलब नाराजगी है, तब पूरे भारत में बैन बंद कर दीजिए ना। आप गौ माता के नाम पे लड़ाई करवाएंगे, आप इसके नाम पे लड़ाई करवाएंगे, आप वो हिंदू है तो लड़ाई करवाएंगे, आप मुस्लिम है तो लड़ाई करवाएंगे, इसका क्या मतलब है? अगर आपको फिल्म नहीं देखनी, मत देखो।
आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया मत देखो, अब फिल्म देखने जाओ, आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है, हर इंसान की अपनी पहचान है, अपनी परख है, किसी को टेक्निकली अच्छी लगती है, किसी को टेक्निकली अच्छी नहीं लगती, कोई को साउंड अच्छा लगता है, किसी को डायरेक्शन अच्छी लगता है, किसी का एक्टर का कैरेक्टर अच्छा लगता है, कोई एक्टर बहुत अच्छा लगता है, उसके हिसाब से देखो। आपको कमेंट करने का अधिकार है, लेकिन बॉयकॉट करके इस तरह गैंग फैलाने का अधिकार नहीं है। आप फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, एक्टर के बारे में नहीं जानते, आप एक कमेंट पे बॉयकॉट लिखना शुरू कर देते हो। आप अंदर आके तो देखो। तो ये चलेगा कि बीफ खा के मैं मोदी जा सकता हूँ? कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन सर अगर आपने वो बता दिया चीज़ तभी वो हाईलाइट हो रही है। हाँ? अब हो सकता है ना आप खाते हो नहीं मेरी, और वो 10 साल पहले ना, अब 10 साल बाद में क्यों उठा रहे हो उस चीज़ को? उन्होंने कहा ना तभी सर, मैं खाता था। सर खाता था ना सर, आज अगर मान लो आप भी, आप मुझे बताओ आज आप खाते हो, अगर आपने पब्लिकली नहीं बोला या बोला तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी मूवी आ रही है उसको बाइकॉट करने के लिए उस चीज़ को उठा रहे हो। आपने इसलिए बोला आपने क्योंकि मूवी भी आ रही है, प्रमोशन भी हो रहा है। सर प्रमोशन, लेकिन कई बार हम लोग कोई चीज़ें कुछ चीज़ें हम जनरली भी बोल देते हैं। आज मैं अगर आपसे बात हो रही है कुछ बोल दिया, आप उसी मुद्दे को उठाकर अगर उसकी मूवी बाइकॉट कर रहे हो। नहीं आप बोलोगे सही नहीं कि हिमालय जी आप सिगरेट क्यों पीते हो, तो मैं बोला मुझे सिगरेट पीना पसंद है, तो आप उसको बॉयकॉट कर दोगे? ये तो नहीं कि मंदिर में बैठ के सामने सिगरेट नहीं पीते सर। हाँ सर वो भी मंदिर में कहाँ खा रहा है? नहीं कह रहा हूँ वो बीफ खा के सिगरेट नहीं, नहीं ये सिगरेट पीते हैं क्योंकि वहाँ जा रहे थे। अरे सर बीफ खा के थोड़ी ना मंदिर घुस रहे कि बाहर मंदिर के बाहर खाया और फिर अंदर घुस रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मंदिर के बाहर बन रहा है। वो पहले खाया 10 साल पहले या उसको अच्छा लगता हो, आपको भी अच्छा लगता हो, क्या पता आप खा के आए हो सर। मैं एक बता रहा हूँ, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर खा के आए हो तो वो सब चीजें हैं, ये सब एक जनरल उसका इस गैंग का एक ही रास्ता है, एक एक को चुन चुन कर जेल भरना चाहिए। कौन भरेगा? हैं? मैं एक कहना चाहता हूं भाई साहब कि पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, इनको एक साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, हैं? और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के साथ में तालमेल करने की ज़रूरत है, जो कि ऐसे जो गैंग हैं हैं उससे निजात मिले। मैं एक बात बताता हूँ, आज मान लीजिए कि फिल्म नहीं बनाएगा करण जौहर जी, फिल्म नहीं बनाएंगे, धर्मा प्रोडक्शन अगर फिल्म नहीं बनाएगा, फिल्म फ्लॉप होगा तो कौन बनाएगा? 7-8 महीने से कोई फिल्म नहीं बन रही है, सब स्टॉप करके पड़े हुए हैं, पैसे फंस गए, पैसे नुकसान हो गए। अगर फिल्म नहीं बनेगी तो टैक्स नहीं आएगा, टैक्स तो गवर्नमेंट को देते हैं ना हम, सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ के टैक्स जाते हैं, एक पानी की बोतल भी आती है उस पर भी GST जाती है, कपड़े आते हैं उस पर भी जाते हैं, लकड़ी आती है उस पर भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली सब जगह से घूम फिर के जितना टैक्स हम फिल्म इंडस्ट्री वाले सरकार को दे रहे हैं, अगर सरकार ही फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसे गैंग फैलाएगी तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली सरकार को नुकसान होना है। और ये जो नए नए कलाकार आते हैं हमारे बीच में, उनको मौका कौन देगा? आप तो रोजगार नहीं दे पा रहे, और हम काम दे रहे हैं एक्टिंग के बल पे, तो उस पर आप घर्षण लगा रहे हो। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, उस गैंग को एक एक करके पकड़ना चाहिए और सरकार का समर्थन होना चाहिए। और सर 90% बाइकॉट वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने मूवी देखी ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं अंदर है क्या, इंडस्ट्री क्या है पता ही नहीं, कुछ सुना और उन्होंने कि चलो भाई एक भीड़ में सब कूद रहे हैं तो हम भी कूदने लगते हैं, तो बाइकॉट बाइकॉट, उन्होंने कभी ना मूवी देखी ना उसका कॉन्सेप्ट पता कि अंदर हुआ क्या है, किसी का सुना अरे यार उसमें तो ये चल रहा है, लो भाई बाइकॉट 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 बाइकॉट, वो गैंग है। अब उसके चक्कर में बेचारा प्रोड्यूसर मारा गया, डायरेक्टर मारा गया, सारे एक्टर्स मारे गए, सारे प्रोडक्शन वाले जितनी भी लेबर काम करती है इस मूवी पे उनका सर का ताला बंद। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप 15-20 साल जितने साल आपका मन करे करें, क्या बात है, और आपके जन्मदिन भी आज इनका, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय, एक्चुअली मैं लास्ट 5 साल से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फुल टाइम इन्हीं के साथ में कास्टिंग का काम भी देखता हूँ, एज एन एक्टर भी इनके साथ में मैं काम करता हूँ। बहुत ही जेन्युइन है सारी चीज़ें, ये जो कास्टिंग काउच है ये सब चीज़ें बहुत दूर है, यहाँ पे सिर्फ एक्टर को देखा जाता है, वो अगर लुक में जा रहा है या उसकी परफॉर्मेंस उसके हिसाब से है तो उसको कास्ट किया जाता है, नहीं होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई अभी तुम्हारे लायक कुछ नहीं है, हम लोग नेक्स्ट में कुछ देखते हैं। और 5 साल में जहाँ तक है मेरे थ्रू भी मैंने कम से कम इनके साथ में काम किया होगा 10,000 से ऊपर एक्टर्स को हम लोगों ने कास्ट किया होगा, पहले का तो अभी 15 साल से जर्नी हो गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग होंगे।
और मोस्टली सब बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ही हम लोग काम करते हैं। धर्मा है, यशराज है, मैडोक है, सिनेवन है, सुभाष गई है, अब्बास मस्तान जी है। और जर्नी सर के साथ में बहुत अच्छी है, लाइजनिंग हम लोगों की बहुत अच्छी है, हमारी टीम की बहुत अच्छी है, अच्छे से काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाती थी ऑडिशन के लिए, तब सर से मैं रूबरू होती थी, वो देखते भी नहीं थे। आफ्टर ऑल एक बार मनु ने मुझे भेजा कि मैम जाइए वहाँ वहाँ ऑडिशन है, एंड मैं गोरेगांव में ही थी, बट आई डोंट हैव एनी सारी एंड लुक जो भी इनको परफेक्ट चाहिए था। ही थ्रो मी बैक टू होम, नहीं नहीं जाइए, साड़ी नहीं, लुक नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, ऐसे ऑडिशन नहीं होगा। और मेरी एक खासियत है कि मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़ती हूँ जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिलता है और जहाँ मुझे ऐसे लगता है कि सीखने कुछ मिलेगा। और यहाँ रियलिटी है कि आपको एक मजा हुआ कलाकार यही बना सकते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं इनका पीछा मैंने कभी नहीं छोड़ा। और अब मुझे कंटिन्यू बैक टू बैक शॉर्टलिस्टेड भी होती हूँ, काम भी मिलते हैं। विकी कौशल के साथ सॉन्ग किया मैंने लास्ट, मैंने अभी धर्मा प्रोडक्शन की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में एक लड्डू का एड शूट है, भारती और वो सब थे हमारे साथ। कल मैं एक शूट और कर रही हूँ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का। और इनका और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा है कि जैसे फ्रेंड बोलो, बड़े भाई बोलो या जो भी बोलो, मुझे इनसे सीखने बहुत मिलता है। और आपने जो एक कास्टिंग काउच का मुद्दा रखा था, एक्चुअली सब मेल्स को या प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को इनको दोष देते हैं, लेकिन एज ए फीमेल मैं सिर्फ फीमेल को ही दोष दूंगी। अगर आप नहीं चाहोगे तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, तो दैट इज़ द पॉइंट। कहीं कहीं पहले जहां कोई मजबूरी थी, कोई भूखी मर रही होगी जिसने कर लिया होगा, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आप अच्छे बड़े बड़े घर से, आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हो, आप डॉक्टर के, आप आर्मी ऑफिसर के बच्चे हो, आपके घर में सब कुछ है, फिर भी आपको नेम फेम के लिए अगर आके आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप अपनी सब कुछ न्यौछावर करने तैयार होते हो, तो वो आपकी गलती है, फीमेल की गलती है। आप एवरी टाइम आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या बॉलीवुड को आप उंगली नहीं उठा सकते हो। आप देखो, आप टीचर बनने जाओ या कोई कॉल सेंटर में जॉब करने जाओ, हर जगह ये प्रॉब्लम है, हर जगह। मैंने यहाँ आके इतनी जगह इंटरव्यू दिए, मुझे यही बोला गया कि आपको पर्सनल सेक्रेटरी बनना पड़ेगा, आपको हर जगह हमारे साथ मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, एक ही होटल में रुकना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे मेरा खुद का बॉस बनना है, एंड दैट्स व्हाई आई चूज दिस इंडस्ट्री, कि मुझे जो काम अच्छा लगेगा मैं करूँगी। बजट इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना और अपना एक, सब बोलते हैं इंडस्ट्री ख़राब है या ऐसे काम नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक जीता जागता सबूत हूँ कि आज तक किसी ने मेरे आँख उठा के भी नहीं देखा। मैं शूट पे जाती हूँ, जब तक मुझे लेने नहीं आते वैनिटी में, तब तक मैं बाहर नहीं निकलती, और मेरा काम ख़त्म होते ही मैं वैनिटी में आती हूँ कि जब मेरा काम होगा तब बुलाना। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये फीमेल पे डिपेंड करता है कि उनको अपनी इमेज कैसे बनानी है। इंडस्ट्री को बदनाम करने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छी है इंडस्ट्री, बहुत कुछ रोजी रोटी सबको देती है। और आई थिंक सो बायकॉट का ये है, तो कुछ लोग अनएजुकेटेड है इंडिया में अभी भी, उनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है कि हम कैसे फॉलो करें, और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, सब चीज़ें गलत लोगों को ही फॉलो करती हैं। सब लोग ये देखते हैं कि कहाँ बात उछल रही है वहाँ हम भी कूद जाएं, तो बायकॉट और ये नेपोटिज्म और ये जो भी जितना भी चल रहा है ये सब एक वो है। लेकिन इंडस्ट्री से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे आर्टिस्ट है, न्यू कमर्स है, उनको भी चांस दे। बाकी चीज़ें अपनी जगह है, ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स टैलेंटेड नहीं है, सब में कुछ न कुछ टैलेंट है, सब में कुछ न कुछ टैलेंट है, अगर है तो वो उनको पब्लिक आगे भी बढ़ाएगी, कार्तिक आर्यन नहीं है तो नहीं भी बढ़ाएगी। सुशांत सिंह राजपूत जी थे, बहुत अच्छे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो बाहर से आके चले। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा, मैं तो बर्थडे सर का, हाँ सर का बर्थडे है तो ये इबादत की तरह मैं हर काम करता हूँ,
और मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ और मुखालफत से मेरी शख्सियत और समृद्धि है, इसलिए मुखालफत करने वालों का तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूँ। और जहाँ तक बात है हिमालय सर का, तो आज बर्थडे है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर इनको बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। पंजाबी कहते हैं कि रब तुहानू राजी रखे, रूह तुहाडी ताजी रखे, तुहाडे हथ बाजी रखे। और जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहूँगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है हुजूर, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं, रात गुजर जाती है। और समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। और हाँ मैडम, मुझे चोर बनना स्टे कर रहा हूँ। सर मैं सीनियर उड़ा हूँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से। तो सर सबसे पहले तो मैं सर आपको कंग्रेचुलेट करूँगी आपके के लिए। तो इनका नाम मैंने बहुत सुना है गुरु जी से, तो मतलब जैसे कि आप जानते हो इनका नाम ही काफ़ी है। तो ये कि ये अपने आप में एक पहचान है इंडस्ट्री को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आर्टिस्ट को काम देते हैं, ये उनकी लुक को देखते हैं कि उनके साथ जा रही है नहीं जा रही, इनके पीछे उनकी कास्ट नहीं देखते, उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनके बारे में ये बोलते हैं कि ये जो कास्टिंग करते हैं आप इनसे जुड़ो, आप यहाँ आओ, आप इनसे जुड़ो, क्योंकि ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फेयर हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेके। इनको किसी दुनिया से किसी से किसी कुछ नहीं लेना देना। ये बिल्कुल सही बोलते हैं कि ये आर्टिस्ट की प्रोफाइल देख के, उसका जो बाहरी लुक देख के उसका कास्ट करते हैं कि हाँ ये जा रहा है लुक सामने देखे। तो ये सबसे बड़ी बात है। सब लोग मिलके एक बार सर को विश कर दीजिए, वो करेंगे, वो बोले सर की करेंगे बाद में। हां सर, हिमालय सर, हिमालय सर, मैं सर, हमारे सर आप लास्ट में बर्थडे बर्थडे बॉय। यस ऑफ कोर्स ही इज अ बॉय। हरदम एक ही बात कहूँगा लास्ट में कि इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का भेदभाव खत्म करके इंडस्ट्री को अच्छे से बनाओ। क्या बात, अच्छे से चले। और उन सभी बच्चों को जो चाहते हैं इंडस्ट्री में आना, एक तरीके का ये एक कहा जाए तो प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो वैसे ही एक प्रोफेशन को पकड़ें और एक कलाकार बन के दिखाएं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको 3 साल पढ़ाई के बाद में, 4 साल पढ़ाई के बाद में इंजीनियरिंग मिलती है, 5 साल पढ़ाई के बाद में आप CA बनते हो। यहाँ तो आप जन्म से ही कलाकार बन सकते हो। क्या बात है, thank you. Thank you.